हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमारा पिछला सेशन जो था वह स्विच गियर प्रोटेक्शन में ही मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर पर था, जो कि आज ही के दिन अपलोड हो गया था 3 बजे। तो हम उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या तो ट्रांसफॉर्मर या आए या अल्टरनेटर आए, दोनों में से एक तो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसलिए दोनों वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, ट्रांसफॉर्मर का भी और अल्टरनेटर का भी। तो दोनों आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आसान लैंग्वेज में आपको बताया भी गया है, और साथ ही साथ वहां पर हम टाइप भी कर दिए, वहां पर लिख भी दिए हैं, तो आपको नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का हमारा सेशन है वह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जो कि स्विच गियर प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे एचआरसी फ्यूज के बारे में कि एचआरसी फ्यूज क्या है। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे एचआरसी फ्यूज के बारे में, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। इतना सारा पॉइंट देखेंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट को 10 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे, और बहुत ही कम वर्ड में लिखा हुआ है। यह टॉपिक को देखकर आप ना सोचे कि वीडियो बहुत लंबा है, वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। 10 मिनट में आपको यह एचआरसी फ्यूज के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ आप आसान तरीके से आसानी लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है एचआरसी फ्यूज, तो यह एक फ्यूज है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि एचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचआरसी का फुल फॉर्म होता है हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो हमारा सबसे पहला जो है इसका हम देखेंगे फुल फॉर्म, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है कि इट इज द वन ऑफ द बेस्ट फ्यूज। यह जो होता है वो एक बहुत ही बेस्ट फ्यूज होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाई वोल्टेज पावर सिस्टम इक्विपमेंट। हाई वोल्टेज पावर सिस्टम इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो हम जनरली फ्यूज का उपयोग करते हैं वो एचआरसी फ्यूज होता है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है हाई वोल्टेज के केस में। तो यह तो हमको हो गया एचआरसी फ्यूज में, एचआरसी फ्यूज का इंट्रोडक्शन। अब हम सबसे पहले चलेंगे इसके डायग्राम की ओर। तो डायग्राम में हम सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यह जो फिगर है, बहुत ही आसान फिगर है, रेक्टेंगल। पहले फर्स्ट में हमको रेक्टेंगल बनाना है, फिर उसको थोड़ा कवर करना है, कवर करने के बाद उसके बाहरी एरिया को। बहुत ही आसान फिगर है, आप समझ रहे होंगे कि बहुत ही आसान फिगर इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जान लेते हैं सारे चीज को। तो सबसे पहले यह जो बॉडी बना हुआ होता है एचआरसी फ्यूज का, वो सिरामिक मटेरियल का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हमको यही लिखना है कि जो फ्यूज का बॉडी बना हुआ होता है वो सिरामिक मटेरियल का बना होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यह जो कवरिंग किया हुआ है इसको हम लोग इंड कैप कहते हैं, इसको हम लोग इंड कैप कहते हैं, जो कि दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा। तो यह जो इंड कैप होता है वो ब्रास का बना हुआ होता है, और यह जो इंटरनल बॉडी होता है फ्यूज का, उससे यह कनेक्टेड होता है और उसको टाइटली बंद किए हुए रहता है। तो दूसरा पॉइंट हमको यही लिखना है। तीसरा पॉइंट हमको लिखना है कि इसमें जो देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वायर है, जिसको कि हम लोग फ्यूज एलिमेंट कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो वायर कनेक्ट होता है वो एक फ्यूज एलिमेंट होता है, जो कि जनरली सिल्वर का बना हुआ होता है। और इसका काम, जैसे ही इसमें हाई करंट आता है तो उस केस में यह मेल्ट कर जाता है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ डॉट 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 करके आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग फिलिंग पाउडर कहते हैं। इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फ्यूज के केस में, क्योंकि यह हाई वोल्टेज पर यह वर्क करता है, हाई वोल्टेज के प्रोटेक्शन, हाई करंट के प्रोटेक्शन के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो उस केस में जब यहाँ पर यह ब्रेक करेगा, जब यह मेल्ट करेगा, तो मेल्ट करने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर आपको आर्क प्रोड्यूस हो जाए, हाई करंट के कारण यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो जाए, हाई वोल्टेज के कारण यहाँ पर आर्क आ जाए। तो उस आर्क को क्वेंच करने के लिए हम लोग यहाँ पर फिलिंग पाउडर से इसको भर देते हैं, ताकि वह आर्क जो है वो खत्म हो जाए और किसी भी तरह का फायर हैजार्ड ना हो। तो आप उम्मीद कर रहे होंगे कि सारा बात जो हम बोले पॉइंट वो सब आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसके जो एंड कैप है उससे फिर हम कनेक्ट करके बाहर में इसको फ्यूज लिंक कॉन्टेक्ट बनाते हैं, जिसके मदद से हम इस फ्यूज को, इसके जो सॉकेट होता है फ्यूज सॉकेट, उसमें इसको लगाते हैं। तो यही सारे पॉइंट को हमको पहले, सबसे पहले लिखना है कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद आपको पता होगा कि फ्यूज जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसको हम लोग I²R प्रिंसिपल या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो फ्यूज यही प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जब नॉर्मल कंडीशन में फ्यूज होता है तब उस कंडीशन में इस फ्यूजिंग एलिमेंट से उतना करंट नहीं जाता है कि ताकि यह जो मेल्ट हो जाए, तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट जाता है जिसके कारण कि यह मेल्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर यह जो है हाई करंट इसके थ्रू पास करता है, और करंट के जो हीटिंग इफेक्ट होता है उस इफेक्ट के कारण यह मेल्ट कर जाता है और हमारा डिवाइस जो है प्रोटेक्ट हो जाता है। तो यही सारे
पॉइंट को अब सिर्फ हमें लिखना है। हम अब देखिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है हमको, द बॉडी ऑफ एचआरसी फ्यूज, एचआरसी फ्यूज का जो बॉडी होता है वो मेड अप ऑफ हाई हीट रेजिस्टेंस, वो हाई हीट रेजिस्टेंस टाइप मटेरियल से बना होता है लाइक सिरेमिक, जो बोले बस वही पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, एट द एंड, एंड में इट इज टाइटली क्लोज बाय मेटल एंड कैप, और अंत में जो होता है वह मेटल एंड कैप से इसको हम टाइटली क्लोज कर देते हैं, विच इज मेड अप ऑफ ब्रास, जो कि ब्रास से बना हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा है कि टू होल्ड फ्यूज इन फ्यूज सॉकेट, फ्यूज सॉकेट में फ्यूज को होल्ड करने के लिए एट द आउटर इंड, आउटर इंड पर इंड कैप लगा हुआ, इंड कैप के साथ एक फ्यूज लिंक कॉन्टेक्ट बना हुआ होता है, जो कि आपको यहाँ पर फिगर में भी दिखा होगा, ये जो है फ्यूज लिंक कॉन्टेक्ट, यही इसी के बारे में इस पॉइंट बता रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि इन द इनर बॉडी, इनर बॉडी में द फ्यूज ऑफ वन फ्यूज एलिमेंट इज अटैच्ड विद बोथ साइड ऑफ आउटर एलिमेंट, एक फ्यूज एलिमेंट कनेक्ट होता है जो कि आउटर एलिमेंट से, आउटर एलिमेंट के बीच में कनेक्ट होता है। यहाँ पर आप देखिए ये जो है आउटर एलिमेंट है, इसके बीच में एक फ्यूज वायर कनेक्ट है, और ये जो फ्यूज वायर होता है वह जनरली सिल्वर का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं कि फ्यूज वायर जो बना हुआ होता है वो सिल्वर मटेरियल का यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा है द होल रिमेनिंग इंटरनल स्पेस ऑफ द इनर बॉडी ऑफ ए फ्यूज, बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया होता है, ये तो इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसके बाकी अंदर का जो एरिया बचा हुआ होता है उसमें जो है वो फिलिंग पाउडर डाला हुआ रहता है। तो वही कह रहा है कि लेफ्ट स्पेस जो इनर स्पेस बचा हुआ होता है उसमें फिलिंग पाउडर रहता है, जिसमें कि क्वार्ट्ज, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डस्ट, मार्बल और चौक, ये सब चीज से इसको हम फिल करते हैं। इसका भी एक बेनिफिट है इसको फिल करने से, यह जो है आर्क को क्वेंच करता है, आर्क को खत्म करता है और प्रोटेक्ट करता है फायर हैजार्ड से, कि किसी भी तरह का कोई आग से रिलेटेड कोई दुर्घटना ना घट जाए। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे बर्किंग। जैसे आपको पता होगा कि बताए भी है कि फ्यूज का जो बर्किंग होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर होता है, जो कि आई स्क्वायर आर प्रिंसिपल होता है। तो कह रहा है कि इफ द फ्लो ऑफ करेंट इज मोर, अगर करेंट का फ्लो ज्यादा होगा या करेंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में हीट जो है वो ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि आप खुद यहाँ पर देख रहे होंगे कि वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली जो है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर होता है, यहाँ पर आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो इन नॉर्मल कंडीशन में द वैल्यू ऑफ करंट, करंट का जो वैल्यू होता है विच पासेस थ्रू द फ्यूज, फ्यूज से जो पास करता है, नॉट सो सफिशियंट करंट, वो उतना सफिशियंट करंट नहीं होता है टू मेल्ट द फ्यूज, फ्यूज को मेल्ट करने के लिए, सो फ्यूज नॉट मेल्ट, इसलिए फ्यूज जो है वो नहीं मेल्ट करता है। बट इन फॉल्ट कंडीशन, लेकिन फॉल्ट कंडीशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू द फ्यूज, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो होता है वो फ्यूज से पास करता है, सो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट, फ्यूज एलिमेंट जो होता है मेल्ट हो जाता है एंड इक्विपमेंट इज प्रोटेक्टेड, और हमारा इक्विपमेंट जो होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। अब इसका हम एडवांटेज की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके एडवांटेज में कि एचआरसी फ्यूज जो होता है वो चीपर होता है, सस्ता होता है। नेक्स्ट हमारा है कि इजी टू डिजाइन, इसका डिजाइन जो होता है वो आसान होता है, और सिंपल कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन भी आसान होता है। मेंटेनेंस इज नॉट नेसेसरी, इसमें मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत ही कम आवश्यकता पड़ता है, जबकि पड़ता ही नहीं है लगभग, क्योंकि यह खराब होता है तो इसके जगह पर हम फिर दूसरा लगाते हैं डायरेक्ट। उसके बाद इसमें है कि हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी, इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी हाई होता है, और इजी ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन आसान होता है। तो अब देखिए इसका हम एप्लीकेशन की ओर चलेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन इसका होता है कि इसका एप्लीकेशन हम स्विच गियर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन दिलाने के लिए करते हैं, यूज इन मोटर, मोटर ट्रांसफॉर्मर, ऑटोमोबाइल के प्रोटेक्टिव पर्पस में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये सब पॉइंट को आपको बस लिखना है एग्जाम में, और सिस्टमेटिक जिस तरीके से हम लिखे हैं इसी तरीके से आप भी लिखिएगा, तो आपको अच्छा मार्क्स गेन होगा। तो यह था आज का हमारा सेशन, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें। इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा वह वीडियो होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। पहले उसका जितना भी टेक्निक होता है, जितना भी उसका रूल होता है, 10 रूल को देखेंगे, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम एक दो न्यूमेरिकल आपको बता देंगे, जो कि 6 मार्क्स में हमेशा आपको पूछता है वह ऑटोमेशन में। तो आज का सेशन जो हमारा है वो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।